अयोध्या श्री राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, क्योंकि 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ अयोध्या में और इसका आधारशिला भी रखी गई प्रधानमंत्री के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अयोध्या राम मंदिर टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? तो 5 अगस्त 2020 को किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास जो है 5 अगस्त 2020 को किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितना होगा? अयोध्या राम मंदिर का जो ऊंचाई होगा 161 फीट होगा, ठीक है, 161 फीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगा? तो अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण जो है L&T कंपनी के द्वारा जो है किया जाएगा। एल का मतलब है लार्सन और टोब्रो, टी का मतलब हो गया टोब्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अयोध्या राम मंदिर में जो पिलरों की जो संख्या पहले रखा गया था 212 रखा गया, लेकिन अब जो है बढ़ा करके 360 पिलर जो है कर दिया गया। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की जो संख्या होगा 360 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो आपका श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितना फीट रखा गया था? तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 141 फीट रखा गया। एक क्वेश्चन और जो अभी ऊपर क्वेश्चन जो बताया, दोनों को आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। 1988 के नक्शे के अनुसार जो अयोध्या राम मंदिर का जो ऊंचाई जो था 141 फीट जो रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिले होंगे? अयोध्या राम मंदिर में जो कितने मंजिले जो है बनाए जाएंगे? तो 3 मंजिले जो है बनाए जाएंगे। पहले क्या था, पहले 2 मंजिले बनाने था, लेकिन अब जो है 3 मंजिले जो है बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? तो फ्रेंड्स, अयोध्या राम मंदिर बनाने में जो खर्च आएगा आपका 300 करोड़ रुपये आएगा, ठीक है। कितना? 300 करोड़ रुपया जो आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार आपके कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, चंद्रकांत सोमपुरा जी है अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है सरजू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनने में कितना समय लगेगा? अयोध्या राम मंदिर बनाने में जो है टाइम कितना लगने वाला है? तो 3.5 साल जो है लगने वाला है, 3 से 3.5 साल जो आपका जो है लगने वाला है अयोध्या राम मंदिर बनाने में। अगले क्वेश्चन आपका है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? अयोध्या विवाद जो है कितने जमीन पर जो है चल रहा था, कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो 2.77 एकड़ जमीन पर जो है विवाद चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में लगातार कोर्ट में कितने दिन तक जो है विवाद चला? अयोध्या विवाद में लगातार जो है कोर्ट में कितने दिन तक जो है विवाद चला? तो आपका 40 दिन, 40 डेज तक जो है लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है विवाद चलते रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई थी? अयोध्या विवाद के फैसले के लिए मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जो है जमीन जो है दिया गया था, ठीक है, 5 एकड़ जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो अयोध्या विवाद का फैसला जो है कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो 5 जजों की बेंच के द्वारा जो सुनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन आपका है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो 9 नवंबर 2019 को सुनाया था, 9 नवंबर 2019। से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगली क्वेश्चन आपका है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम आपका क्या था? तो फैजाबाद। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? फैजाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाबरी मस्जिद को जो कब गिराया गया था? तो बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था, ठीक है। 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को गिराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को कब बनाया गया? तो बाबरी मस्जिद को बनाया गया था 1528 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है, 1528 ईस्वी में जो बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पी वी नरसिम्हा राव थे, पी वी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? अयोध्या स्थित जो मस्जिद का जो नाम था उसका बाबरी मस्जिद था, ठीक है? क्या था? बाबरी मस्जिद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं।